नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट किचन खाने में आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है आपका। दोस्तों, अब हम रेसिपी बना रहे हैं। देसी मुर्गा हम लेके आए थे, तो स्किन उतारी, इसकी बुनवा के लेके आए हैं दोस्तों। अब इसके रेसिपी बना के आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं रेसिपी। इसकी बहुत ही बढ़िया स्वाद बन के तैयार होगी। आप बस वीडियो गौर से देखते रहना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक रहती है तो कमेंट करके मुझे बुला करो। और इसका देखिए दोस्तों, ये है मेरा टमाटर, हरी मिर्ची और इसी में जीरा डलवा दिया मैंने, और लहसुन का पेस्ट है दोस्तों। ये है एक कटोरी दही ली है मैंने, और ये है 1.5 kg मुर्गा है देसी, और ये है प्याज, ये है गरम मसाला दोस्तों, देखिए आप, और ये है पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है, अलग से बनवाया है मैंने। तो अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे अपन। आप गौर से वीडियो देखते रहें दोस्तों। अब मैं देखिए आप नहीं आ रहा हूँ, गैस मेरी शुरू हो गई है। देखिए गैस, मैं सरसों का तेल ऐड कर रहा हूँ इसमें भी। तेल अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, कम हो चुका है जैसे मैं आपको बताया था, ऑल ऐड कर दिया, ऑल गर्म हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए अब दालचीनी, गरम मसाले हैं सारे इसके अंदर, दालचीनी, स्टार फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग और काली मिर्ची है दोस्तों, सारे खड़े मसाले हैं इसके अंदर, मैं इसमें ऐड करूंगा। और इसे मैं ज़्यादा नहीं जलाऊंगा, सिर्फ इसकी खुशबू ना चिकन में रहा रहने के लिए मैं रखूंगा। देखिए थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अब मैं अब इसे तेल में मैं 10 मिनट ऐसे ही फ्राई करूंगा दोस्तों। फिर इसे बाहर निकाल के ना नई रेसिपी बना रहा हूँ, एक हटके तरीका है इसका। जैसे इसका समय आ गया, थोड़ा एक बार और चलाऊंगा, आज नई रेसिपी नए और नई तरीके से बनाऊंगा दोस्तों, आप गौर से देखते रहेंगे। देसी मुर्गा होता है तो उसमें टाइम लगता है। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा नमक ऐड करता हूँ इसमें, एक चम्मच, छोटी चम्मच है प्लास्टिक की, मुझे इसी का आइडिया है तो अपने आइडिया से डालता हूँ, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार डालना। और कोई भी, और ये आधी चम्मच मैंने देखिए हल्दी की दी है, हल्दी भी इसमें ऐड करूँगा दोस्तों। बाकी ये देसी चिकन है, और कोई भी चिकन हो आप इस हिसाब से बना सकते हो, बहुत ही स्वाद बनकर तैयार होती है। दोस्तों इसे बहुत अच्छी तरह से पानी इसका जला दें, पानी जो चिकन में पानी होता है वो नहीं रहनी चाहिए इसमें, बहुत अच्छी तरह से पानी जला दें और हल्का ब्राउन टाइप आ जाए, ब्राउनपन आ जाए, उस टाइम इसे बाहर निकालने की कोशिश करें दोस्तों। देखिए दोस्तों,
चिकन ने ना ऑल छोड़ दिया, देखिए आप बॉल से ऑल अलग हो गया चिकन से, इसमें जितना पानी था ना चिकन के अंदर सारा जल चुका है दोस्तों, तो चिकन भी मेरी ब्राउन हो गई है। अब इसे मैं बाहर निकालूंगा दोस्तों, आप देखते रहना। देखिए दोस्तों मैंने फ्राई करके ना निकाली, बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो गई है। अब इसे हम चिकन बनाने का प्रयास करेंगे, मसाला डालते हैं इसके अंदर, मसाला ऐड करूँगा मैं। देखिए देखिए दोस्तों मैं प्याज ऐड कर रहा हूँ इसमें, देखिए दोस्तों मैंने प्याज ऐड डाल दिया इसके अंदर। अब ये मैं सोचना आप जो आपने जैसे खड़ा मसाला डाला था वो बेकार हो गया दोस्तों, बेकार नहीं हुआ, चिकन जो फ्राई किया है उसके अंदर सारा उसका खड़े मसाले का फ्लेवर है इसमें ऐड हो गया दोस्तों। अब इसमें से फ्राई चिकन से ना बहुत अच्छी खड़े मसाले की महक आ रही है इसमें मुझे। अब देखिए ये ब्राउन हो गया, हल्का ब्राउन हो रहा है दोस्तों, और इसी हल्के ब्राउन पे ही मैं बाकी मसाले ऐड कर रहा हूँ इसमें, आप देखते रहना। देखिए जैसे ये है मेरा टमाटर का, टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है, और मैं इसमें ये ऐड करूँगा। देखिए आप मैं प्याज को ना ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दिया, हल्का ही गोल्डन कलर आया है उस पर मैंने ऐड कर रहा हूँ इसमें। देखिए दोस्तों मैंने जो अभी मसाला ऐड किया था वो अच्छी तरह पक चुका है लगभग, अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगा, बाकी स्वाद अनुसार आप जिस हिसाब से आप खाते हो स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हो। और मैंने 1 चम्मच पहले डाली हुई है नमक की, तो मैं 1 ही चम्मच इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्यों लगभग पहले का भी नमक जो मैंने फ्राई की हुई है चिकन उसके अंदर ऑलरेडी है तो वो पूरा हो जाएगा। और 1 चम्मच ले रहा हूँ हल्दी की, और 1 चम्मच लूँगा मैं लाल मिर्ची। देखिए आप मेरे पास घर का फिसा हुआ मसाला है दोस्तों, बाहर का नहीं है। देखिए दोस्तों गौर से देखिए आप, बहुत अच्छी तरह से मसाला मेरा बनके तैयार हो गया दोस्तों। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगा, जो मेरे पास 1 कटोरी दही रखी हुई है मैंने, देखिए आप ये ऐड करूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मसाला ना बन के बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गया, कलर इसमें भरपूर कलर आया है। अब ये चिकन का समय आ गया दोस्तों ऐड करने का, देखिए मैं चिकन ऐड करूँगा। अब इसे अच्छी तरह चलाते रहें दोस्तों, सारा मसाला एक दूसरे से अटैच हो जाए, सारा मसाला एक दूसरे मसाले में अच्छी तरह चिकन मिल जाए, जब तक इसे चलाते रहें आप। और मैं इसमें दोस्तों देखिए दोस्तों मसाले भूजते हुए से 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए आप बहुत अच्छी तरह लगभग बनकर रेडी हो गया है। और इसमें अभी
अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो ऐड करूँगा। देखिए अब अदरक का पेस्ट है, ऐड करूँगा दोस्तों। अब मुझे फिर चलाना होगा, बहुत ही सुंदर महक आ रही है दोस्तों, और मेरा कांदे टच पे जाके डालेंगे कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब देखिए दोस्तों पानी ऐड करने का समय आ चुका है, मैं पानी ऐड करता हूँ इसमें। देखिए दोस्तों उबाल अच्छी तरह आ गया है इसमें, अब इसे ढक्कन लगाने का समय आ गया दोस्तों। कुकर में मैं ढक्कन लगाऊंगा, 3 से 4 सीटी मारूंगा इसके अंदर, देसी है इस करके इसमें टाइम लगता है, बकरे की तरह मटन बन जैसे मटन बनाते हैं ना बकरे की, वैसे ये चिकन बन के तैयार होते हैं दोस्तों, टाइम लग जाता है इसमें, इस करके मुझे 3 से 4 सीटी लगानी होंगी इसमें, उसके बाद आपको मैं चेक कराऊंगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन के कम्प्लीट होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कराया करो दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं गैस बंद कर दी है, अब इसमें 4 सीटी ऑलरेडी हो चुकी है पूरी, अब इसे हम सिर्फ इसका ढक्कन खोल कर एक बार देखेंगे कैसा बन के कम्प्लीट हुई है। और बहुत ही इसकी ना क्या कहते हैं कुकर की जो सीटी है ना दोस्तों, उसमें भी ना बहुत अच्छी महक आ रही है, यकीन मानना। अब जो प्रेशर में महक आती है ना कुकर की आवाज़ जो अंदर से बाहर निकलती है, कुकर का जो प्रेशर निकलता है उसमें भी मसालों की बहुत अच्छी महक आ रही है, तरह तरह के मसालों की दोस्तों। अब इसे हम खोल के भी चेक करेंगे, आप देखते रहना। देखिए दोस्तों ढक्कन ओपन किया है मैंने, अब देखिए आप चेक कीजिए, इतना मतलब सुंदर चिकन बन के तैयार हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास।